आज है मंगलवार ट्यूसडे और आज मेरी मतलब क्या इवनिंग से मेरी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से थोड़ा मेरा घर का काम था, ऐसे घर का डस्टिंग कर रही थी और थोड़ा बहुत बच्चे रहते हैं घर में तो थोड़ा बहुत बिजी रही थी, इसलिए आज सुबह से मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो सोचा आज शाम से मैं स्टार्ट करती ब्लॉग और डेली तो मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे इवनिंग से नाइट तक जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा मजा आता है। और वहां पे मेरी बेटी बेटी वो गिटार बजा रही है, प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा आपको। उसको वो कोना पे बैठ के गिटार मतलब बजाने में उसको थोड़ा अच्छा लगता है तो वो वहीं पे ही रिहर्सल कर रही है उसकी। और बेटा तो सो रहा है, अभी तक नहीं उठा है क्योंकि आज बहुत अच्छे से बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। और क्या अभी संध्या आरती जो हमारा होता है, संध्या दिया जो जलाते हैं वो भी जला दिया मैंने तुलसी जी के पास घर में सारे जगह पे। और चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपका मेरी डिनर रूटीन और डिनर में आज क्या बनाऊंगी। पराठा शायद बारिश का टाइम है तो बच्चे बोल रहे हैं, भाग भी और बच्चे भी मतलब बेटी, बेटा तो उठा नहीं है, बोले मम्मा आज पराठा बनाओ और वो जो येल्लो मटर होता है उसका भिगोई थी मैं सुबह ही बोल दिए थे, सुबह भिगोई थी, अभी उसको पानी को ड्रेन आउट कर दिया है मैंने, उसका सब्जी बनेगा हमारा, वो भी उड़िया स्टाइल में ही, वो बहुत अच्छा लगता है। इधर चाट में मिलता है ना, पर इधर ना ग्रीन मटर मिलता है, ग्रीन बटानी शायद उसको बोलते हैं, पर ये येलो बटानी है, इससे बहुत अच्छा बनता है। वो भी आप ट्राई कीजिए, वो रेसिपी भी आपके साथ अभी शेयर हो जाएगा वो तो फटफट बन जाएगा। और मेरी किचन में मैं जैसे जो जल्दी होता है वही ज्यादा बनाती हूँ, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस का जो रेसिपी होता है वो बनाती हूँ पर बहुत ही कम, जैसे संडे का दिन सैटरडे के दिन बनता है, पर डेली रूटीन में जैसे जल्दी जल्दी जो रेसिपी बनता है वो बना लेती हूँ तो मुझे भी बनाने में थोड़ा इजी होता है। और इसलिए मैं इवनिंग को रूटीन थोड़ा कम ही दिखाती हूँ क्योंकि इवनिंग थोड़ा बच्चे के साथ बिजी हो जाती हूँ, अभी तो फिलहाल स्कूल नहीं है पर जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो और भी थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो जाती हूँ उनके साथ, उनके पास ना बैठो तो वो नहीं पढ़ते, खास करके मेरा बेटा वो छोटा है ना उसके पास बैठना है बस। चलिए फिर चलते हैं मेरी फेवरेट जगह किचन में। और करेंट नहीं था शायद मेरा इन्वर्टर, मैं सब लाइट ऑन ऑफ कर लेती हूँ इवनिंग के टाइम में, थोड़ा लाइट ऑन करती हूँ ना इसलिए ज्यादा, आज बारिश हुआ था करके करेंट चला गया था, आ जाएगा करेंट, ये भी लाइट बंद कर लेती हूँ, अम्मा थोड़ा इसको बंद कर दो क्योंकि इन्वर्टर का साउंड आ रहा है, एक घंटे से करेंट नहीं, एक दो घंटे से तो ज्यादा, ये वाला झूमर का लाइट थोड़ा पावर ज्यादा है। हाँ अभी भी आ गए, हाँ फेन ऑफ कर दो और वो वाला सेंटर वाला लाइट आप ऑफ कर दो ना, उसके थोड़ा पावर नहीं तो वो एलईडी है ना वो चलेगा, छोड़ दो उसको भी हम, बस अभी ठीक है, थोड़ा लाइट कम में ही रहना पड़ेगा शायद क्योंकि वो ज्यादा पावर है। और मैं इधर जिंजर गार्लिक सब पेस्ट करूंगी, मेरा खत्म हो गया था जिंजर गार्लिक, मैं भिगो दी हूँ सारा ये को, बस थोड़ा सा अच्छे से वाश करके पेस्ट बनाऊंगी। और ये जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च, मैं हर हर मतलब जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ तब थोड़ा सा
जीरा और ये लाल मिर्च दो तीन डाल के मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मसाला का यूज नहीं करती हूँ मैं बाहर का। ये प्याज कटिंग की, ये वाला चना इसको क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं, हम तो मटर बोलते, येलो मटर, इधर इधर तो बटानी भी बोलते हैं कोई कोई, येलो बटानी, ये बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बनाऊंगी। और हेलो करो, अभी तो आ गई। हेलो से हेलो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। और आज बोल रहे हैं अभी चाय बनाओ, चाय का टाइम हो गया, चाय का टाइम चला गया। आज थोड़ा मैं सो गई थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सारा मसाला, सारा मतलब जिंजर गार्लिक सारा इधर रख दिया। अब मैं ग्राइंडिंग करूंगी और अच्छा सा टेस्टी सा ये वाला बटानी का जो मटर होता है इसका सब्जी बनाएंगे। चलिए फिर ग्राइंडिंग कर ले। ओ बंद किया मैं स्विच को, जल्दी करो। तुम क्यों ऑन किया, क्यों ऑन किया? मुझे इतना आइडिया नहीं था, पकौड़ी बनाने के लिए बोला था ना, तो क्या इसलिए करंट चला गया? और क्या, अभी तक नहीं मिला तो? इन्होंने बोला शाम का आज इतना बारिश हो रही पकौड़ी बनाओ, मतलब अब भी कौन पकौड़ी खाएगा, पकौड़ा जो होता है हमारा। चलो ये कूट लो, ये कूट लो। और नहीं तो क्या, कूटने के लिए बोला हूँ। अब इसके अंदर जीरा भी डाल दिया, कूट लेता हूँ। कूटो पे आएगा नहीं ना करंट, ठीक है मैं कूट लूंगी। कूट लो, पर कूटने से वो अच्छा तो लगेगा, पर इसके अंदर जीरा मैं डाल दिया ना, इसलिए अलग से मैं अदरक देती हूँ फिर कूटने के लिए। आज तो फ्लॉप हो गया। चलो फिर कूट के आज बनाते हैं ये मटर का सब्जी। पता नहीं कैसे बनेगा, अच्छा तो बनता है, पर इसके अंदर जीरा डाल दिया ना, वो जीरा को शायद नहीं होगा। मैं दूसरा जिंजर और गार्लिक को कूटूंगी, ये तो जब करंट आएगा तभी मतलब पेस्ट बनाऊंगी, देखती इसमें चुन के, नहीं तो बनाती हूँ। चलो चाय ही बना लो, अभी चाय वही बना रही हूँ, और क्या करूंगी, अभी चाय ही बनाऊंगी। तब तक मैं केला खा लेता हूँ, तुम खाओगी? नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बारिश के मौसम में केला नहीं चाहिए, तुम ही खाओ केला बनाना। और मैं चाय बनाऊंगी, और क्या करूं, मेरा आज मूड ऑफ हो गया, कितना प्यार से और कितना आज ना पूरा है, मतलब जोश में मैं सोची आज ब्लॉग बनाऊंगी करके। अभी भी बोल रहा हूँ पकौड़ी बना दो, करंट आ जाएगा। नहीं अभी पकौड़ी बनाने का भी मूड चला गया मेरा, पकौड़ा में देखो डिनर भी बनाऊ या ना बनाऊ। चाय के साथ ही आज हो जाएगा हमारा डिनर, चाय और बिस्किट खा के सो जाएंगे आज, ठीक है? और बच्चों, बच्चे मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ बना लूंगी ना, और मेरे लिए, तुम्हारे लिए चाय बिस्किट, बनाना खा लेना सो जाओ। देखते आ जाएगा शायद, तो करण तो आ जाएगा, चाय जब तक पीते तब करण देखते आएगा या नहीं। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं। सीरियसली मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मतलब अभी इतने साल का शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ इतना स्टाइल से करने के लिए गई और वो पूरा फ्यूज पूरा फ्लॉप हो गई। नहीं बाबू अभी आ जाएगा, मुझे मेरा दिल कहता है। इनका बोल रहे हैं ना, वही अभी बोल रहे थे कि पकौड़ा नहीं दिया ना, इसलिए ऐसा हुआ। और क्या, अभी चाय दे दिया ना, देखो चाय तो वैसे भी मैं देती हूँ, चाय देती। पकौड़ा अभी 7 बज रहा है, बोल रहे पकौड़ा बनाओगे, पकौड़ा करोगे, मतलब जो क्या पेशन का उसको क्या बोलते हैं, पकौड़ी बोलते, पकौड़ी पकौड़ी बनाओगे, है ना? अभी इतने 7 बज गए, अभी पकौड़ी बनाने के लिए जाऊंगी, खाएंगे सब हम लोग, तो फिर डिनर कब खाएंगे? और वो खाकर ना पूरा रात भर नहीं होगा, बच्चे नहीं रह पाएंगे, बोला एक साथ डिनर बना लेती, और आज भी अचटपटा डिनर बनाती। नहीं अभी बारिश हो रहा है तो पकौड़ी, नहीं बारिश खत्म हो गया, बारिश खत्म, अच्छा हो रहा था, हो रहा था, तो जब तुम बोले ना तब बारिश खत्म हो गया था। नहीं हो रहा था थोड़ा थोड़ा, इसीलिए तो मैं बोला थोड़ा थोड़ा, मुझे आज इतना सो रही थी ना, बोला आज तो मेरे ग्राइंडर ने मुझे धोखा ही दे दिया। नहीं नहीं मिक्सर का नहीं, मिक्सर तो धोखा नहीं दिया, आज बिजली, बिजली ये जो बिजली रानी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई है, और कब तक आएगी माताजी मालूम नहीं। बिजली बहन जल्दी आ, आने के बाद मैं खाना बनाऊंगी, कहाँ गई है बिजली? तब तक चाय पी लेती हूँ, शायद आ जाएगा तब तक, नहीं तो आज 11-12 बजे हमारा डिनर होगा।
आ जाएगा पी लो, नहीं तो मैं कूट लेता हूँ। कूट लोगे देखते पांच मिनट, नहीं तो कूटोगे नहीं तो तुमको साथ में कूट लोगे। ए सिलपट्टा में भी कर सकते हैं ना, सिलपट्टा तो है और वो सिलपट्टा भी ऊपर है, ऊपर में से बालकनी का बाहर है ना, उसको निकालूंगी धोंगे देखते कुछ तक कुछ बंदोबस्त तो हो जाएगा, कर तो लूंगी मैं। आफ्टर हम सब हाउसवाइफ के पास जुगाड़ तो रहता है, जुगाड़ू हम जुगाड़ू बाड़ू है, मतलब क्या, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हाउसवाइफ। हाँ देवी मुझे मालूम है, मालूम है ना, वही और क्या, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी मैं। और ये तो बस मसाला है, और कुछ बड़ा बड़ा होता तो वो भी जुगाड़ कर लेती, तुमको कूटना है तो तुमको कूट अच्छे से कूट लो, पियो पियो चाय पियो। आज ना बहुत एक्चुअली आज का इवनिंग ना बहुत शांत, मतलब याद कर रहेगा ना, इतना बड़ा इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ हमारा, शानदार शानदार जानदार मजेदार। चलो चाय ठंडो है, चाय भी लेते हैं, आप भी पक गए होंगे। चलिए चाय पीना हो गया, अब वो करंट आते आते शायद आ भी जाएगा, अभी थोड़ा मैं वो जो मटर का बॉईल कर लेती हूँ, तब तक देखो ना करंट आया क्या, देखो ना देखो आ गया, आ गया सही में। और क्या, चाय चाय का कमाल, सही में ना क्या, चाय का कमाल। चलो चलो मेरा आ गया, मैं चेक नहीं की थी, अब भी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ करके, चल लग गए गुड लक, पर आज मैं ना मेरा इतना बड़ा हुआ क्योंकि मैं आज ब्लॉग स्टार्ट ही की थी कि आज मंगलवार करेक्ट मिनट, और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी कि आज मैं इनको जल्दी पढ़ाई थी, इससे करंट चला जाए, इससे पहले ही ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग कर ले बोल रही हूँ, मिक्सर में ग्राइंडिंग करेंगे क्योंकि फिर अगर चला जाएगा तो इनको कूटना पड़ेगा, इसलिए हड़बड़ी में खुद ही आ गई। बच गई आज बोले, मैं तो कुटने तो बच गई, मैं तो ये सब कुटने कुटने कर दिया। और अब मैं इसमें एक आलू डालूंगी, आलू डाल के बॉईल कर दूंगी तो थोड़ा ग्रेवी मोटा आएगा, और ग्राइंड करना है नहीं हो गया थोड़ा करो। चलो गुड लक, नहीं तो मैं सोच रही थी कि आज मंगलवार में मैं तो बच गया इनका कुछ लोग क्योंकि मैं आज इतने अच्छे से स्टार्ट की थी कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन ही मेरा अमन हो गया आज। अच्छा वाटा चूट चलो आ गया, हम मटर का सब्जी खा पाएंगे, ये लो बनाओ। चलो आलू छील लेती हूँ, पटाटो को छोटा छोटा मैं काट के उसके अंदर ही चना के अंदर ही डाल दूंगी, बॉईल हो जाएगा साथ साथ में। बस थोड़ा सा नमक डाल के एक साथ में ही बॉईल कर दूंगी। पानी में इतना रखी हूँ, दो ग्लास दो तीन सीटी तक हम लोग पकाएंगे इसको। बस तीन सीटी आ गया, मैं भी गैस बंद कर दिया, थोड़ी देर अब गैस को रिलीफ होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। हो गया मेरा आटा गूंदा, अभी ढक के रख दूंगी, पहले सब्जी मटर का बना दूंगी उसके बाद ये बनाऊंगी। आटा गूंदना बहुत एक क्या बोरिंग काम है, बोरिंग
और आज ये उड़द दाल और राइस को भिगोई थी मैं। कल इडली या डोसा कुछ बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसको उसको भी थोड़ा ग्राइंडिंग कर दूंगी अच्छे से, जल्दी जल्दी करके रख दूंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया। ये बॉइल हो गया मेरा बटानी, अच्छे से बॉइल हो गया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड डाल देंगे, सरसों। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से भून लेंगे रेड होने तक। थोड़ा सा नमक डालेंगे, जल्दी भून जाएगा प्याज। प्याज भून गया, अब इसमें जिंजर गार्लिक जीरा सब जो मिला के मैं पेस्ट बनाया था अब इसको डाल दूंगी, डाल के अच्छा से भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ये करी पत्ता डाल देंगे, मसाला को अच्छे से भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का रस में चला जाए। बस मसाला भून गए अच्छे से, अब इसमें बॉइल किया हुआ चना डाल देंगे। थोड़ा सा और पानी में डालूंगी, मैंने बॉईल करने के टाइम में चना में मैं नमक दी थी इसलिए थोड़ा कम नमक देंगे, और थोड़ा आप देख के नमक दीजिए क्योंकि बॉईल होने के टाइम मैं नमक दी थी इसमें, तो थोड़ी सी और नमक दूंगी मैं। बस ये 5 मिनट में बन जाएगा। बस अब रेडी हो गया है ये मटर, गुगनी बोलते हैं इसको ओडिया में, गुगुनी बोलते हैं। बस रेडी हो गया है, मटर करी भी बोलते हैं और गुगुन भी बोलते हैं। अब कर देंगे गैस ऑफ। ये रेडी हो गया हमारा गुगुनी, गुगुनी के साथ आज बना है पराठा। अब इसको हम सर्व कर देंगे अच्छे से, ये बहुत टेस्टी होता है, आप ये रेसिपी भी ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी होता है पराठा के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया मटर करी रेडी, खाना भी रेडी हो गया, मैं भी प्लेट लगा दिया, और बस बच्चे को अभी कब बुलाऊंगी, वो लोग सब टीवी देख रहे हैं। और आज चलो अच्छा हुआ कि करंट आ गया, बिजली दीदी ने मुझे धोखा नहीं दिया, थैंक यू बिजली दीदी, नहीं तो हस्बैंड को कूटना पड़ता वो सारा चीज। चलो अच्छा हुआ, कुछ मतलब सही टाइम में भी करंट आ गया था,
जस्ट चाय पिए के हम लोग उठे थे, उसके पास शायद आ गया होगा, कब आ गया होगा मालूम नहीं, पर मैं जैसे हस्बैंड को बोला चेक करो तो आ गया होगा। वैसे भी इधर करंट ज्यादा जाता नहीं है, आ जाता है, ऐसे कुछ ज्यादा बारिश हुआ तो जाता है, एक दो घंटे के अंदर आ जाता है। तो चलो ठीक है, और दिन में होता ना प्रॉब्लम नहीं, रात को थोड़ा करंट लेट हो जाता था डिनर का रूटीन। और आज वो ऐसा डिनर में बनाई थी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट के बिना मैं ये रेसिपी बना भी नहीं सकती थी, ऐसा था। नहीं तो सिंपल सा कोई होता तो फ्राई वाला, वो भी हो जाता। और क्या अभी डिनर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 हुआ है बस। ओके, तो करंट नहीं जाता था और आधा घंटा पहले हमारा डिनर हो जाता। मोस्टली हमारा घर में डिनर 8:30 से 9 o'clock तक हो जाता है, और फिर बच्चे भी थोड़ा अपने आप टीवी देखते हैं, और आधा घंटा फिर 10 बजे 10:30 बजे तक हम लोग सो ले। चलिए फिर रहती हूँ मैं, आज का ब्लॉग यहीं पे ही रखती हूँ। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू विथ ए न्यू वीडियो। जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे गुड मॉर्निंग हो जाएगा, फिर भी गुड नाइट, बाय।